नमस्कार। हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सीबीआई ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो चार्जशीट दायर। सीएम सुक्खू ने विपक्ष पर किया हमला, बोले 10-10 करोड़ में बागी विधायकों को खरीदने का प्रयास किया। पीएम मोदी ने कीरतपुर नेरचौक फोर लेन का उद्घाटन किया, पुंग तक 37 किलोमीटर दूरी हुई कम, एक घंटे में बचत। जिला परिषद सोलन की बैठक में हंगामा, नहीं पहुंचे अधिकारी तो सदस्यों ने किया बहिष्कार। किन्नौर की भावा वैली में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत, दो घायल। भरमौर पठानकोट हाईवे से खाई में गिरी बुलेरो गाड़ी, 2 की मौत। अब समाचार विस्तार से। सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र लीक मामलों में 88 आरोपियों के खिलाफ दो चार्जशीट दायर की है। 27 मार्च 2022 को आयोजित लिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्रों के लीक होने से संबंधित मामलों की चल रही जांच में 88 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने आज शिमला में कोर्ट के समक्ष दो चार्जशीट दायर की हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष और बागी विधायकों पर जमकर हमला साधा। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर भी मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। विपक्ष ने 5 साल हमीरपुर चयन आयोग से मिलकर बच्चों को 5-5 लाख रुपए में पेपर बेचकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिलवाया था। हमने इस पर कार्रवाई की और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कीरतपुर मनाली फोरलैन मंडी के सुंदरनगर में पुंग तक बनकर तैयार हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुरुग्राम से वर्चुअली जुड़कर इसका उद्घाटन किया। इस फोरलैन के बनने से पंजाब के कीरतपुर से हिमाचल के पुंग तक की दूरी 37 किलोमीटर कम हो गई है। कीरतपुर से पुंग तक पहले नेशनल हाईवे की लंबाई 106 किलोमीटर थी, जो अब 69 किलोमीटर रह गई है। इससे यात्रियों के समय में 1 घंटे की बचत होगी। हालांकि पुंग तक इस फोरलैन को 6 अगस्त 2023 को ही ट्रायल के लिए वाहनों के लिए खोल दिया गया है, मगर आज औपचारिक तौर पर उद्घाटन हो गया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। जिला परिषद सोलन की बैठक में सोमवार को हंगामा देखने को मिला। अधिकारियों की बैठक में बार बार न आने पर आज जिला परिषद अफसरों की तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। बैठक में आज सभी 17 जिला परिषद सदस्य मौजूद थे, लेकिन पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी और आईपीएच और परिवहन विभाग के मुख्य अधिकारियों के बैठक में नहीं पहुंचने से सदस्य नाराज दिखाई दिए और इसी बात को लेकर उन्होंने बहिष्कार किया। किन्नौर जिले की भावा वैली के मुसरिंग में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हुए हैं। हिमस्खलन से आए तेज तूफान से मजदूर छिटक कर दूर चले गए। हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 को चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही कंपनी के अधिकारियों और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया। एक घायल ने पीएचसी कटगांव में दम तोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस थाना प्रभारी भावानगर जगदीश ठाकुर और तहसीलदार भावानगर भी मौके पर पहुंचे। चंबा जिला में भरमौर पठानकोट हाईवे पर हड़सर से आगे दराटी पुल के पास एक बुलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर 25 मीटर नीचे खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 व्यक्ति घायल हो गया। मृतकों की पहचान गाड़ी चालक राकेश कुमार पुत्र वद्री राम व अश्विनी कुमार पुत्र बहमी राम गांव हड़सर तहसील भरमौर के रूप में हुई है। हादसे में सेरी गांव के अनिल कुमार घायल हुए हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।